नमस्कार, मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता लाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसको लेकर पुष्कर धामी सरकार ने बिल पेश कर दिया, उत्तराखंड विधानसभा में पास होने और फिर राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बन जाएगा। कानून बनने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला हिंदुस्तान का पहला राज्य होगा। भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड में चुनावी वादा भी पूरा हो जाएगा। यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में बहुत कुछ बदल जाएगा, मसलन शादी, तलाक, बच्चे गोद लेने तक के कानून, हर धर्म के लिए एक हो जाएगा। यूसीसी के बिल में लिव इन रिलेशन को लेकर भी नियम बनाए गए हैं। आखिर उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद क्या बदलेगा और क्या नहीं बदलेगा, आज मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। यूसीसी उत्तराखंड में जल्द ही कानून का रूप अख्तियार कर लेगा और इस बिल के पेश होने के साथ ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति भी साफ हो जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये बिल 2024 चुनाव से ठीक पहले इसलिए लेकर आई है ताकि लोकसभा चुनाव में यूसीसी का फायदा मिल सके और 400 सीटों से ज्यादा जो जीतने का टारगेट है उसको पूरा किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी इस ड्राफ्ट के फायदे गिना रही है, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इतनी जल्दी अफरा तफरी के माहौल में उत्तराखंड यूसीसी का ड्राफ्ट क्यों पेश किया गया। इस सबके बीच यूसीसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की आगे की रणनीति क्या है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। देश में समान नागरिक कानून की बात कोई नई बात नहीं है। पहली बार यह मुद्दा 1948 को संविधान सभा की बैठक में उठाया गया था। यूसीसी को लेकर दशकों से हिंदुस्तान में चर्चा चल रही है। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कह चुका है और एक बार फिर से यूसीसी राजनीतिक बहस का मुद्दा बना हुआ है। कॉमन सिविल कोड बिल को लेकर हिंदुस्तान में भले ही बहस छिड़ी हो, लेकिन कई देश ऐसे हैं जिन देशों में ये कानून पहले से लागू है। आखिर वो कौन कौन से देश हैं जहां पर कॉमन सिविल कोड लागू है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह भी बताऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। हिंदुस्तान में 75 साल से अटका समान नागरिकता संहिता का मुद्दा आखिरकार उत्तराखंड के रास्ते साकार होता जा रहा है। 4 फरवरी को उत्तराखंड कैबिनेट में यूसीसी विधेयक को मंजूरी दी थी, इसके बाद इसे विधानसभा में पेश कर दिया गया। उत्तराखंड सदन में यूसीसी बिल पेश होते ही भारतीय जनता पार्टी विधायकों ने नारे भी लगाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे ऐतिहासिक बिल बताया। विपक्ष इस मुद्दे के विरोध में है, बावजूद इसके उम्मीद है कि इसे कानून को पास कराकर अमली जामा पहना लिया जाएगा। इसके साथ ही देवभूमि उत्तराखंड हिंदुस्तान में यूसीसी लागू करने वाला आजादी के बाद पहला राज्य बन जाएगा और इस मसौदे में 400 से ज्यादा धाराएं हैं जिसका लक्ष्य कानून में समानता लाना है। यानी यूसीसी पास होने के बाद सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। उत्तराखंड में यूसीसी क्या है और इसे लागू होने के बाद
राज्य में क्या बदलेगा, वो आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताना चाहता हूं। जरा समझिए कि पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो यूसीसी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड यूसीसी में शादी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। शादी की उम्र में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। लड़कों की शादी की जो न्यूनतम उम्र है वो 21 साल है, लड़कियों की उम्र को 18 साल ही रखा गया है। और इस बिल में लड़के और लड़कियों की शादी का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया गया है। एक बार फिर शादी के बाद लड़के या लड़की को दूसरी शादी की तब तक इजाजत नहीं होगी जब तक पहली शादी अमान्य ना हो जाए, यानी दोनों सहमति से एक दूसरे को तलाक ना दे दे, अलग ना हो जाए। अगर पति या पत्नी की मौत हो जाती है तो माता पिता की देखरेख का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। शादी के रजिस्ट्रेशन को बेहद सिंपल कर दिया गया है। यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में बिना रजिस्ट्रेशन वाली शादी को मान्यता नहीं दी जाएगी। ये हिंदू मुस्लिम से लेकर तमाम धर्मों पर लागू होगा। शादी के अलावा यूसीसी में क्या क्या है वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं। जरा आप समझिए, पुरुष महिला को तलाक देने का समान अधिकार मिलेगा। पर्सनल लॉ के तहत तलाक देने पर रोक लगाई जाएगी। लिव इन रिलेशनशिप डिक्लेयर करना बेहद जरूरी हो गया है। लिव इन रजिस्ट्रेशन का नहीं कराने पर 10,000 रुपए का जुर्माना होगा और लिव इन में पैदा होने वाले बच्चों की संपत्ति में समान अधिकार होगा। महिला के दोबारा शादी में कोई शर्त नहीं होगी। सभी धर्मों के लोगों में बच्चा को गोद लेने का जो अधिकार है उसकी वकालत की गई है। मुस्लिमों के होने वाली इद्दत और हलाला पर रोक लगेगी। बेटी को विरासत में लड़कों के बराबर हक मिलेगा। अनुसूचित जनजाति दायरे से बाहर है, ये उत्तराखंड का मसौदा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड सरकार का दावा है कि इस कानून का लक्ष्य धर्म जाति लिंग में भेदभाव किए बिना सभी को समान अधिकार देने का है। हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस बिल को सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने वाला कानून बताया जा रहा है। विधेयक पेश किए जाने से पहले विपक्षी सदस्यों ने सदन के अंदर विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि इनके प्रावधानों का अध्ययन करने के लिए वक्त नहीं दिया गया। विपक्ष के नेता यशपाल आर्य ने कहा है कि ऐसा लगता है कि धामी सरकार विधायकी परंपराओं का उल्लंघन कर बिना बहस के विधेयक पारित करना चाहती है और विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की है। स्पीकर रितु खंडूरी ने आश्वासन दिया है कि विधेयक का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त वक्त भी दिया जाएगा, जिसके बाद इस पर चर्चा हो सकेगी। इस बिल को लागू होने से उत्तराखंड में क्या बदलेगा वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। जरा समझिए, यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में क्या नहीं बदलेगा इसको भी समझ लीजिए आप। यूसीसी लागू होने से धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
धार्मिक रीति रिवाज पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। और ऐसा नहीं है कि यूसीसी आने के बाद शादी में पंडित या मौलवी नहीं करवा पाएंगे, बल्कि वो करवाएंगे। खान पान से लेकर पूजा, इबादत, वेशभूषा पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ये सब सामान्य रहेंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि यूसीसी बिल पेश करने के लिए उत्तराखंड में विशेष सत्र बुलाया गया था। यूसीसी पर कानून लागू होने के साथ बीजेपी उत्तराखंड में अपना वादा पूरा करेगी और साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने राज्य के लोगों से यूसीसी लाने का वादा किया था और इस पर लंबे वक्त से राज्य में यानी उत्तराखंड में चर्चा चल रही है। अब करीब 2 साल के बाद इस चुनावी वादे को भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड में पूरा करना चाह रही है, जिसको लेकर सियासी संग्राम भी छिड़ गया है हिंदुस्तान में, क्योंकि विपक्ष के नेता चाहे वो उत्तराखंड के हो या देश के हो, और कई धर्म गुरुओं ने इस फैसले को लेकर उत्तराखंड सरकार की कड़ी आलोचना की है। मैं आपको मुस्लिम धर्मगुरु फिरंगी महली और विपक्ष के नेताओं को सुनवाना चाहता हूं। जरा सुनिए कि यूसीसी को लेकर वो किस तरीके से सरकार के नियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या इस बिल से या इसका ये बिल है या एक्ट बनता है जो भी है, तो क्या इससे कोई यूनिफॉर्म तमाम कवानीन में तमाम लॉज में यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी? और फिर ऑलरेडी अगर इससे आप किसी भी कम्युनिटी को एग्जेम्प्ट करने को कहते हैं या एग्जेम्प्ट करते हैं, तो फिर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ रह गया? और फिर ऑलरेडी मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में हर शहरी को अपने मजहब पर अमल करने की पूरी आज़ादी दी है, और फिर रिलीजियस फ्रीडम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट हर सिटीजन का है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आजादी के बाद उत्तराखंड हिंदुस्तान में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन रहा है। वैसे पुर्तगाली शासन के दिनों में गोवा में यूसीसी लागू है, संविधान में गोवा को विशेष दर्जा दिया गया है। उत्तराखंड के बाद बीजेपी शासित दूसरे राज्यों में भी सरकार इसे आगे बढ़ाना चाहती है, मसलन गुजरात हो, असम हो। हिंदुस्तान के कई बीजेपी शासित राज्यों में उत्तराखंड यूसीसी को एक मॉडल के तौर पर पेश किया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करवाने के पीछे भी बीजेपी की एक बहुत बड़ी रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी लंबे वक्त से पूरे देश में यूसीसी लागू करने की बात करती आई है। बीजेपी अपने 2 बड़े वादे, अयोध्या में राम मंदिर, जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाने के वादा पूरा कर चुकी है, और दोनों वादों को पूरा करने के बाद भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस यूसीसी पर है। उत्तराखंड में लागू होने के बाद चुनाव में यूसीसी को लेकर पूरी तरीके से माहौल बनाया जाएगा, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। यूसीसी पर बीजेपी की आगे की रणनीति क्या होगी, इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़े से पीछे लिए चलना चाहूंगा। जरा समझिए, आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने साल 1951 में जम्मू कश्मीर की धरती से एक नारा दिया था, एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान नहीं चलेंगे। और पिछले साल ही मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में सवाल किया था कि एक परिवार में 2 कानून कैसे चलेंगे। इसके अलावा इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा था। तब प्रधानमंत्री मोदी ने यूसीसी को लेकर क्या कुछ कहा था, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं, जरा आप सुन लीजिए। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए 1 कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए 2 कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या?
फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा। हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यूसीसी को लेकर लॉ कमीशन से लेकर स्टैंडिंग कमेटी तक एक्टिव हो गई है। सियासी गलियारों से लेकर संविधान कानून के विशेषज्ञ जानकार तक ये चर्चा का विषय पूरे हिंदुस्तान में बना हुआ है। सियासत के जानकारों का यह कहना है कि 2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का एक प्रयोग करना चाहती है। इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में यूसीसी लागू करने पर जबरदस्त तीखी प्रतिक्रिया हो सकती है, इसीलिए बीजेपी एक साथ पूरे देश में लागू करने के बजाय हिंदुस्तान के कुछ राज्यों में लागू करके देखना चाहती है कि इसका नतीजा क्या आता है। लोग इसका विरोध प्रदर्शन करते हैं, ये समर्थन कर सकते हैं। एक प्रयोग के तौर पर उत्तराखंड में इसकी शुरुआत हो चुकी है। केंद्र सरकार इससे हिंदुस्तान में लागू करने का बड़ा कदम आगे उठाएगी और सवाल उठता है कि इसके लिए बीजेपी ने उत्तराखंड को ही क्यों चुना। उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य है और उत्तराखंड पर सिर्फ 5 लोकसभा सीटें हैं। इसके अलावा देवभूमि उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी दूसरे राज्यों की अपेक्षा में बहुत कम है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने यूसीसी का पहला प्रयोग उत्तराखंड से किया है कि इसका नतीजा क्या होता है, क्या विपक्षी दल, मुस्लिम समुदाय या जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो क्या इसका असर दिखाते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में अपना यह प्रयोग कामयाब होने के बाद भारतीय जनता पार्टी देश के दूसरे छोटे बड़े बीजेपी शासित राज्यों में यूसीसी लागू करने के लिए कदम बढ़ा सकती है। इसमें सबसे आगे गुजरात होगा और उसके बाद असम को माना जा रहा है, क्योंकि गुजरात चुनाव में बीजेपी ने यूसीसी को लेकर एक वादा किया था। उत्तराखंड में यूसीसी पर अपना वादा पूरा करने के बाद बीजेपी इसका फायदा गिना रही है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए उत्तराखंड के मंत्री सतपाल महाराज को सुनवाना चाहता हूं, सुनिए कि वो यूसीसी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है, बद्री केदार और केदारनाथ की भूमि में इस देव भूमि से एक बड़ा बहुत ऐतिहासिक बिल पारित हो रहा है जिसकी चर्चा सदन में हो रही है और सभी सदस्य बड़े जोश खरोश के साथ, बड़े उत्साह के साथ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये महिला सशक्तिकरण को लक्ष्य लेकर के ये बिल जो है पास होगा ताकि महिलाओं का सम्मान मिले, महिलाओं को शक्ति मिले। इसके साथ साथ बाल विवाह जो है वो नहीं होगा, अवैध माना जाएगा। इसके साथ साथ बहुत से इसके अंदर नियम हैं जिनसे मैं समझता हूं कि एक आचार संहिता पूरे हमारे देश में लागू होगी और इससे यही यूसीसी जो है सऊदी अरब में, टर्की में, इंडोनेशिया में, नेपाल में, फ्रांस में, अजरबैजान में, जर्मनी में, जापान में, कनाडा में भी लागू है, तो अन्य देशों के अंदर भी ये यूसीसी लागू है। तो निश्चित रूप में हमारे उत्तराखंड से इसका प्रारंभ हो रहा है। मैं धामी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और ये निश्चित रूप में उत्तराखंड के विकास में बहुत एक मील का पत्थर साबित। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि भारतीय राजनीति में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा पहली बार सामने आया। वक्त वक्त पर करीब करीब हर दौर में यह मुद्दा उठता रहा है और इस पर बहस भी होती रही है, आजादी से पहले भी, आजादी के बाद भी वक्त वक्त पर इसको लेकर बहस होती रही है। साल 1835 में पहली बार ब्रिटिश राज में कॉमन सिविल कोड पर रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें अपराधों, सबूतों और अनुबंधों को एक रूपता की जरूरत पर जोर दिया था। आजादी के बाद साल 1948 में संसद भवन में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बैठक हुई थी, मंथन हुआ था के यूसीसी को संविधान में शामिल किया जाएगा या नहीं और उस वक्त इस पर कोई फैसला नहीं हो सका था। लेकिन सालों बाद यह मुद्दा फिर से राष्ट्रीय बहस का मुद्दा लगातार बना हुआ है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की बातें भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में उठी हैं और लगातार उठती चली आ रही हैं। ये राजनीतिक से अलग सामाजिक बहस भी शामिल हो गया है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या आ गया है एक देश एक कानून का समय? भारत में जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून और मैरिज एक्ट है, यानी इस वक्त देश में अलग अलग मसलों पर अलग अलग मामलों पर कानून तो है, उसमें धर्म का एंगल आने की वजह से पर्सनल लॉ बोर्ड का भी प्रावधान है। तो राष्ट्रवास के जरिए ये आपको बताना चाहता हूं कि देश में इस वक्त कितने कानून हैं, जरा इसको समझ लीजिए। इस्लाम में शरिया कानून एक्ट 1937, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, सिख जैन बौद्ध शामिल हैं, हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956, भारतीय ईसाई विवाह कानून 1872, पारसी मैरिज एक्ट एंड डिवोर्स एक्ट 1936। ये तमाम जो धर्मों के एक्ट हैं, ये अलग अलग धर्मों के अलग अलग पर्सनल अवॉर्ड होने की वजह से कई बार अदालतों के सामने मुश्किल खड़ी हो जाती है और हालात ऐसे हो जाते हैं और फैसले भी अलग होते हैं। ऐसे में समझना बेहद जरूरी है कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 5 के मुताबिक हिंदू पति पत्नी से एक के भी रहते दूसरी शादी नहीं कर सकता। सेक्शन 11 के हिसाब से ऐसी शादी गैर कानूनी मानी जाएगी। आईपीसी की धारा 494 के मुताबिक ऐसी शादी आपराधिक मामला भी है, यानी यह हिंदू एक्ट के मुताबिक है। और शादी के मामले में मुस्लिम पर्सनल वोट के हिसाब से ही एक के रहते दूसरी शादी जायज है, क्योंकि धर्म के हिसाब से शादीशुदा मर्द की दूसरी शादी आपराधिक नहीं है। और यही वजह है कि यूसीसी को लेकर सबकी अपनी अपना तर्क है, चूंकि ये धार्मिक मामला है। एक तरफ कहते हैं कि अनेकता में कानून है नारा है, जब देश के संस्कार है तो एक कानून क्यों नहीं हो सकता, और दूसरा तर्क ये कहता है कि विधि विधाताओं के वाले देश की खूबसूरती एक समान कानून से बिगड़ती है। मैं मुस्लिम धर्मगुरु जो लगातार इस पूरे मामले को लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर रहे थे, अब उसी तरीके से दूसरे धर्म के लोग भी सामने आ रहे हैं। जैसे मैंने एक्ट के जरिए समझाने की कोशिश की है, आने वाले वक्त में यूसीसी को लेकर हिंदुस्तान में एक अलग मोड़ देखने को मिल सकता है। तो ये थी राष्ट्रीय आवाज, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।